हेलो फ्रेंड्स यू आर वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ जीएसटी ऑडिटर तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में यह देखेंगे कि क्या जीएसटी में कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स को फाइनेंशियल ईयर 2021 ट्वेंटी वन के लिए जीएसटी आर फोर के अतिरिक्त जीएसटी आर नाइन ए भी फाइल करना है या नहीं तो फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर 2021 ट्वेंटी वन के लिए जीएसटी आर फोर का एक्सटेंडेड ड्यूडेट थर्टी फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन था तो so भाई साहब मेरा अनुमान है कि आप लोगों ने इसे ड्यू डेट के भीतर फाइल कर लिया होगा तो बात करते हैं जीएसटीआर आर नाइन ए का यह फॉर्म जीएसटीआर आर नाइन ए भी कम्पोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड पर्सन के लिए प्रेस्क्राइब्ड एक एनुअल रिटर्न है तो चलिए जीएसटीआर आर नाइन ए से रिलेटेड अपडेटेड सेक्शन और रूल्स को एक बार देखते हैं जिससे कि आपका डाउट्स पूरी तरह से क्लियर हो जाए तो यह सी जी एस टी एक्ट ट्वेंटी सेवनटीन का सेक्शन 44 है इसमें कहा गया है कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टैक्स डिडक्टर ई कॉमर्स ऑपरेटर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के अतिरिक्त एवरी रजिस्टर्ड पर्सन सेल फर्निश एन एनुअल रिटर्न फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर इलेक्ट्रॉनिकली विद इन सच टाइम एंड इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रस्क्राइब तो यहाँ कहा गया है की एक्सेशन को छोड़कर जीएसटी में रजिस्टर्ड प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह रेगुलर टैक्स पेस है या कंपोजिट टैक्स पेस है एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा तो फ्रेंड्स आपको इस बात पर घबराना नहीं है कि आपको जीएसटी ए भी फाइल करना है क्योंकि वीडियो में आगे आपका डाउट्स पूरी तरह से क्लियर होगा तो अब आगे देखते हैं कि यह किया गया है। तो इसके लिए आपको CGST Rule 2017 का Rule 80 को देखना है। तो यहां कहा गया है कि पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन टेन मतलब ही composition base, form GSTR 9A में annual return करेगा तो भाई साहब जीएसटी आर को कब तक फर्निश करना है तो इसे फाइनेंशियल ईयर की समाप्ति के बाद आने वाले 31 दिसंबर को या उससे पहले फर्निश करना होगा तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने यह प्रोविजन बनाकर रखा है कि कम्पोजिशन टैक्स पेयर्स को भी एनुअल रिटर्न जीएसटी आर ए फाइल करना है लेकिन अभी हमारे यहाँ जीएसटी के चार साल ही हुए हैं जीएसटी पोर्टल ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है और सरकार को स्मॉल टैक्स पेयर्स को रिलीफ भी देना है यह सोचकर गवर्नमेंट ने सेक्शन 44 में प्रोवाइजो को इंसर्ट किया है तो इस प्रोवाइजो में लिखा है कि कमिश्नर के द्वारा किसी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एनुअल रिटर्न की फाइलिंग से एग्जम किया जा सकता है तो इसी प्रोवाइजो के तहत नोटिफिकेशन नंबर थर्टी फर्स्ट बाई को नोटिफाई किया गया है और इसमें कहा गया है कि वह रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स जिसका एग्रीगेट टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 2021 में दो करोड़ रुपए तक था तो उसे एनुअल रिटर्न की फाइलिंग से मुक्त किया गया है छूट दे दिया गया है या एग्जम्प्ट किया गया है तो अब बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम में बने रहने के लिए ए का थ्रेश क्या है तो फ्रेंड्स नॉर्मल स्टेट के केस में सर्विस प्रोवाइडर के लिए फिफ्टी लाख रुपीज़ या मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर्स के लिए वन पॉइंट फाइव करोड़ रुपीज़ है तो भाई साहब आपका जो मैक्सिमम एग्रीगेट टर्नओवर ओवर वन पॉइंट फाइव करोड़ का होगा वह भी सरकार के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए नोटिफाई किए गए दो करोड़ रुपए के एग्जम्पन लिमिट के भीतर ही कवर हो जा रहा है तो आप इसे एक लाइन में इस प्रकार समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपको जी एस फाइल नहीं करना है क्योंकि आपको जीएसटी आर नाइन ए की फाइलिंग से एग्जम्पन दिया गया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपने देखा कि एनुअल रिटर्न से रिलेटेड सेक्शन और रूल्स कौन कौन से हैं और आपको फाइनेंशियल ईयर 2021 का जी एस ए को फाइल करने से किस प्रकार एग्जम्प्ट किया गया है तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं यह वीडियो क्लोज कर रहा हूं यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन को प्रेस कर लें फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग